ओम शांति। आज 10 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बेअंत खुशी की बात समझा रहे हैं। तुम बच्चों को बेअंत खुशी रहनी चाहिए और बेअंत खुशी उन्हीं बच्चों को रहेगी जो अशरीरी बनना जानते हैं, ज्ञान दान करते हैं, जो ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, इनका दान करते रहना है, स्वयं में धारण करते रहना है। इस समय तुम बच्चों की बुद्धि में अल्लफ और बे है। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। बाबा ने आते ही कहा कि कुछ सेकंड के लिए सब बच्चे लिखो, आप किसे याद कर रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड लगेंगे। तो बाबा ने कहा, अल्लफ और बे किस किस को याद है? अल्लफ जिन्हें याद है तो उन्हें बादशाही भी याद होगी। दुनिया में सिर्फ सब परम पिता को याद करते हैं पर उनसे मिलने वाली बादशाही को याद नहीं करते। तुम बच्चे ही स्वर्ग के मालिक थे, तुम्हें फिर से बनना है। सेवा का उमंग दिलाते बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। रोटी टुकड़ खाया और भागे सर्विस पर। तुम्हें जंगल को मंगल बनाना है, मंदिर बनाना है। जैसे व्यापारी लोग होते हैं कि कोई ग्राहक आया तुरंत दौड़ते हैं कि कमाई हो रही है, तो ये भी कमाई है। जितनों को आप राह दिखाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, उतना भविष्य ऊंच पद होगा। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। जब आप याद करते हो तो समझो बहुत कमाई जमा होती है। याद में रहने वाले बच्चे सदा गदगद रहेंगे, अंदर से बहुत खुश रहेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अल्लफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। अल्लफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। क्वेश्चन है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे, हम अभी सुख शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी। हम सुख शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो बहुत खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है, एक सेकंड में बच्चों से लिखा कर ले कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता, हर एक एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। तो सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा वो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा, अल्लफ और बे, कितना सहज है। अल्लफ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो। जास्ती लिखने की दरकार नहीं, तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्लफ भी तो सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्लफ को याद करेंगे, तुम्हें बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती, बुद्धि में बैठता तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्लभ का अर्थ कितना बड़ा, हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं। रहने का स्थान ऊंचे से ऊंचा। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। उनका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता, लिखते इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए, टिक टिक चलती रहती। टिक हुई अल्लफ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता, कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वो तब होगी जब याद रहेगी। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, अवस्था अच्छी तब रहेगी जब बाबा याद रहेगा। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजा ही याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, इसको दिव्य दृष्टि कहा जाता। आत्मा भी देखती है, बाप को तुम आत्मा याद करती हो। तुम भी बाबा को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देर लगती है,
यहां भी याद में बैठेंगे बहुत गदगद हो जाएंगे। याद में बैठेंगे, बाबा याद आएगा, गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं, बाबा को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, मुझे और कोई बात याद नहीं, बाबा याद करते हैं वहां की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाबा कहते, तुम बच्चों के लिए मैं राजाई लेकर आया हूँ, सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो, दुनिया थोड़ी जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। चंद्रमा इस दुनिया का है, कहा जाता सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है, तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से, आने जाने में टाइम नहीं लगता, अपना घर है यहाँ, तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती, एक शरीर छोड़ दूसरे में जाके प्रवेश करती, तो अपने आप को आत्मा समझना है। एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरे स्थान पे चली जाती है, देह बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की यात्रा अविनाशी है। अपने को आत्मा समझना है तो बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते, शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, सुख की हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। शांति की चोटी निराकारी दुनिया, सुख की हाईएस्ट चोटी स्वर्ग। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता। तुम्हारा घर कितना ऊंचा है, दुनिया वाले इन बातों पर ख्याल नहीं करते, उनको ये बातें समझाने वाला कोई है ही नहीं, उसको कहते शांति का टावर। मनुष्य कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है, वहां कोई लोभ लालच नहीं, वहां का खान पान बोल चाल बड़ा रॉयल होता है। स्वर्ग में खान पान बोलना चलना सब रॉयल होता है, फिर सुख भी हाईएस्ट, उसकी महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये एक नहीं सारी माला बनी हुई है, वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं, जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तब विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती, कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लेके आती है। चेक करेंगे अपने आप को, हमारे पास कौन सा तूफान आता और कैसे शांत करना है। बाबा कहते याद करेंगे तो ये तूफान शांत हो जाएंगे। अपनी नब्ज देखो, नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो वो अवस्था भी है नहीं बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे, अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वो अवस्था तुम्हारी होगी, और शरीर रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब घर जाना है, बाबा ने कहा मुझे याद करो, याद ही नहीं करेंगे तो गौर से सुनेंगे, याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते, वो भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां जाकर ये चीजें बनाए। सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है, यहाँ के संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वो संस्कार ले जाते हैं, लड़ने बिगर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है, भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं, आंख कान आदि सब ठीक है, लड़ाई में सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। जैसे सेना में भर्ती होती है फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है, तो यहाँ भी बाबा कहते माला का दाना बनना है तो देखा जाता है। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है, आत्मा अशरीरी आई अशरीरी बन के जाना है, वहां शरीर का कोई संबंध नहीं, अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, ढेर की ढेर आत्माएं आती हैं, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा होती। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत के अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है, अपनी चाल को देखना है, किसी को दुख तो नहीं दिया, अटेंशन अपने आप को देखना है कि मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा कितना मीठा है, मोस्ट बिलव्ड है ना, तो बच्चों को भी बनना है। ये तुम बच्चे जानते हो,
बाप यहाँ है, मनुष्य को थोड़ा ये मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते, शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंच चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते, कितने मेले लगते क्योंकि बहुत मीठा है, गाते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, बुद्धि में निराकारी याद आएगा, निराकार तो है ही, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अब तुम बच्चे समझते हो, हम ही सतो प्रधान देवता थे जब हम विश्व के मालिक थे, इतने ढेर मनुष्य वहां नहीं थे, सिर्फ भारत में इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में, ये सब तुम देखते रहेंगे, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए, वहां तुम्हें पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं, वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते, वो है ही वंडर ऑफ स्वर्ग, सत्यों की दुनिया, वो बाबा कितने स्वर्ग है, वहां कभी भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होते, जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं तो माया के वंडर्स बनते हैं, ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वो है सुख का टावर, यह है दुख का टावर, लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते, फिर जन्मते भी होंगे, गाया जाता ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, अब ईश्वर तो है बिंदी, उसका अंत क्या पाएंगे, बाबा कहते इस रचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते, साधु संत कोई भी रचता रचना का अंत नहीं पा सकते, तुम्हें बाबा पढ़ाते हैं, इसे पढ़ाई कहा जाता, सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे जानते जा रहे हो, वो तो कहते हम नहीं जानते तो लाखों वर्ष कह देते, बाबा ने समझाया जो कुछ तुम यहाँ देखते हो वो वहां नहीं रहेगा, स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख, अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे, मौत देखना मासी का घर नहीं, तैयारी करनी है कि अंतिम दृश्य को देख सके, वो मौत देखना मासी का घर नहीं, इसको कहते दुख की चोटी, वो है सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर नहीं, तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती, धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो, धारणा कब होगी जब बुद्धि गोल्डन एज हो, धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती, एकदम हाईएस्ट पढ़ाने वाले भी तो लोएस्ट भी, पढ़ाई में फर्क तो है ना, उनको कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे, याद बिगड़ तुम पवित्र कभी नहीं बन सकते, याद नहीं करेंगे तो प्योर भी नहीं बन सकते, याद करने से पवित्रता आती है, याद बिगड़ तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे, बाबा ही चुंबक है, वो एकदम हाईएस्ट पावर वाला है, उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है, उसे उतार सतो प्रधान बनना है, बाबा कहते मां में कम याद करो और कोई में भी ममत्व ना रहे, साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत सामने रहता, गरीबों को तो कुछ है नहीं, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके, याद बिगर किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे, तुम यहाँ आए हो ऊंची चोटी पर जाने के लिए, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे, इसमें मेहनत है, बाप आते टावर पे ले जाने, तो श्रीमत पे चलना है, पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण का गायन है, एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम, नई दुनिया को टावर ऑफ सुख कहते हैं, वहां कोई मैली चीज नहीं होती, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां नहीं लगती जो मकानों को खराब करें, स्वर्ग की बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे हैं, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है, आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे, शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बाबा ने कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहनकर आते थे, वो चीजें तो यहाँ मिल ना सके, बाबा तो जोहरी है, आगे तो 50,000 में मणि लेते थे, वह अब 50 लाख में भी ना मिले, पहले जो 50,000 में लेते थे अब बाबा कहते 50 लाख में भी ना मिले, तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां अथाह सुख है, बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता, कहां राजा रानी कहां दास दासियां, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो कभी छिपे नहीं रह सकते, जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो छिपे नहीं रह सकते, झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाके सर्विस करते हैं, सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम इस जंगल को मंगल बनाना है, मंदिर बनाना है, रोटी टुकड़ा खाया ना खाया ये भागे सर्विस पर, धंधे वाले लोग ऐसा करते हैं, अच्छा ग्राहक आ जाता तो फिर खाया ना खाया और चले, धन कमाने का शौक रहता, ये तो बेहद बाप से अथाह धन मिलता है, भले थोड़ा टाइम पड़ा है
परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं, विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए मिरुआ मौत, मलू का शिकार, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, तुम्हें बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, बाबा को याद करते करते बिल्कुल अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। ये बड़ी मेहनत है, कोई तो बहुत सर्विस करते, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें फुर्सत भी नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे अविनाशी ज्ञान रत्नों के, सबसे ज्यादा बाबा कहते आपके सेवा स्थान बन जाएंगे, जहां लोग आकर अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान की धारणा करने से पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ, बाप की याद के सिवाय किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, बाप समान मीठे बने हैं। ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज बनाओ, बाप की याद के सिवाय किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल देखो, किसी को दुख तो नहीं देते, बाप समान मीठे बने हैं। वरदान है सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कहां कहां चतुराई से चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी कभी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती, सहन करना पड़ता, झुकना पड़ता, हार माननी पड़ती, लेकिन वो हार नहीं सदा की विजय है। दुनिया वाले कहते आजकल सच्चे लोगों का चलना मुश्किल, झूठ बोलना पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी ऐसा समझती हैं कि कहीं कहीं तो चतुराई से चलना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ता, झुकना पड़ता, हार माननी पड़ती, लेकिन वो हार नहीं सदा की विजय है। स्लोगन है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और करना, ये दुआएं देना और लेना है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए, मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए, जहां चाहो जैसे चाहो जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहते मन वश में है, मन को आदेश दिया बाबा में ही समा जाओ, बाबा के गुणों का चिंतन चलने लगे, वो स्वरूप नजर आने लगे, शक्तियां मिलने लगे। ऐसे बाबा कहते बाबा में समा जाओ, इसको कहते मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। एकाग्रता से एक स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा में ही समा जाए और मिलते समय सभी को दुआएं दे। प्रसन्न रहकर दूसरों को प्रसन्न चित्त बनाना है, दुआओं का फरिश्ता बन जाएंगे, एकाग्र हो जाएं, बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो। महाज्योति को देखें, उनसे निकलती अनंत किरणें मुझे शक्ति प्रदान कर रही हैं।
बाबा की किरणों में इतनी ताकत है जिससे मेरा चित्त खुशियों से भरपूर हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। सर्वात्माओं के लिए शुभ संकल्प करें, सभी सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर याद रखें, मैं दुआओं का फरिश्ता सबको दुआएं दे रहा हूं, प्रसन्नता बांट रहा हूं। सभी आत्माओं को परमात्म दृष्टि से शक्तिशाली बना दे, केवल दुआएं, मैं दुआओं का फरिश्ता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।